मुझे भार्गव परशुराम से वार्ता करनी है। जानते भी हो वे कौन हैं? जानता हूँ, इसलिए तो इतनी दूर से उनसे वार्ता करने आया हूँ। कैसी वार्ता करनी है उनसे? मुझे उनसे वार्ता करनी है, परंतु आप लोग इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? तुम उन्हें नहीं जानते, तुम अभी बालक हो, उनसे वार्ता करने की योग्यता नहीं है तुम में। देखो बालक, तुम यहाँ से जाओ। कैसी योग्यता, कैसा ज्ञान? कदाचित आप लोग भार्गव परशुराम को अभी तक अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। हंसे मत, मानवता और न्याय के लिए लड़ने वाले व्यक्तियों की सीमा इतनी छोटी नहीं हो सकती। अत्याचार के विरुद्ध युद्ध करने वाले ऐसे बंधनों में नहीं बंधते। आप लोग उनकी विशालता को इतना छोटा मत कीजिए। आप कृपया मुझे अनुमति दे। दुस्साहस मत करो, कौन हो तुम? जानकर क्या करेंगे? क्या एक कम है कि इस प्रदेश का एक बालक भार्गव परशुराम से मिलना चाहता है? वो अपनी जिज्ञासा प्रकट करना चाहता है, अपने मन में उठने वाले प्रश्नों के उत्तर चाहता है? क्या ये कम है? बताइए, ये कम है क्या? समाज की भलाई के लिए परशु धारण करने वाले एक महापुरुष को आप समाज से इतना दूर क्यों कर रहे हैं? बोलिए, बताइए। शांत रहो, कदाचित तुम उनके क्रोध से परिचित नहीं हो। चले जाओ यहाँ से, जाओ। ठहरो, चला जाता हूँ मैं। समाज सेवा और सामाजिक न्याय की वार्ता करने वाले व्यक्ति से यदि एक बालक मिलना चाहे और उसे इतना कष्ट उठाना पड़े, तो नहीं मिलना मुझे उस व्यक्ति से, तो नहीं मिलना मुझे उस व्यक्ति से, नहीं मिलना मुझे उस व्यक्ति से। हेलो, आओ बालक। यहाँ बैठो वत्स। जी। मुझे तुम्हारी योग्यता का ज्ञान हो चुका है। कौन हो तुम? दशानन, विश्रवा पुत्र दशानन। महर्षि विश्रवा का पुत्र दशानन इस सुनसान प्रदेश में? शक्ति संचय के उद्देश्य से आए हो देव। आप ही के समान मेरे मन में भी अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध आक्रोश है। नहीं दशानन, मेरे मन में केवल आक्रोश नहीं है, हाथ में परशु भी है। आक्रोश एक भाव है, मात्र भाव, और परशु क्रिया है। और हम क्रिया पर विश्वास रखते हैं। देव, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि परशु के उपयोग से पहले अन्याय और अत्याचार को विचारों और तर्क वितर्क से रोका जाए? विचारों और तर्क वितर्क से रोका जाए, उन्हें समझाया जाए, उनकी नीतियों में परिवर्तन लाया जाए। हाँ, संभव तो है, किंतु जब कोई आपका सदैव ही विनाश करना चाहे,
आपका सर्वस्व नष्ट करना चाहे। आपकी नीतियों पर सदैव अपने अनीतियों का कुठाराघात करें, तो ऐसे में ये सब उपदेश हास्यास्पद हो जाते हैं। परंतु शंबरजनों की समस्या को लेकर तो आपने, हमने जो कहा है हम वो करेंगे, किंतु दशानन कुछ प्रश्नों के उत्तर भविष्य के गर्भ में छुपे रहते हैं, हमें उनकी प्रतीक्षा करनी चाहिए और हम वही कर रहे हैं। देव, यदि मैं आपके पद चिन्हों और नीतियों पर चलना चाहूं तो? दशानन दशानन है और परशुराम परशुराम है। तुम अपनी नीति स्वयं बनाओ, अपनी सार्थकता स्वयं स्थापित करो। दूसरों की नीतियों पर चलने वाले दुर्बल होते हैं और तुम दुर्बल नहीं हो। मुझे तुम्हारे आत्मविश्वास का पूरी तरह ज्ञान हो चुका है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए देव। योग्यता को आशीर्वाद की नहीं, कर्मठता और साधना की आवश्यकता होती है। मैं समझा नहीं। तपस्या, तपस्या करो वत्स, अपनी शक्ति का संचय करो, तुम्हारी शक्ति का विस्तार होगा, भविष्य का रास्ता सुगम होगा, अति सुगम। और इसके लिए साधना ही केवल एकमात्र उपाय है। साधना और तपस्या। अब जाओ दशानन, एक महान भविष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। और हां, जीवन के प्रत्येक संकट में मृगवंशी परशुराम तुम्हारे साथ है।